नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2020 का ये साल T20 की तरह हर पल रंग बदल रहा है। इस साल ने दुनिया बदल दी, दुनियादारी बदल दी, जीने के ढंग बदल दिए, मरने का अंदाज बदल दिया, मौत के बाद की रस्में तक बदल दी। पर एक छोटे से जिस वायरस ने ये सब कुछ बदलवा दिया, वो खुद इतना बदल रहा है कि दुनिया के सबसे जहीन दिमाग डॉक्टर और साइंटिस्ट तक हैरान है। हैरान है कि कोरोना कितने पैंतरे बदलेगा। अभी तक यह वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद सांस लेने के सिस्टम पर हमला कर रहा था, मगर अब पता चल रहा है कि जिस्म के अंदर के हर अंग पर हमले कर रहा है। जो कोरोना वायरस मरीजों के सांस लेने के सिस्टम में दिक्कत पैदा कर रहा था, उसने अब अपनी चाल बदल ली है। अब इसके मरीजों में कुछ और डराने वाले लक्षण नोटिस किए जा रहे हैं। यह वायरस अब न सिर्फ शरीर में घुसने के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के बना रहा है, बल्कि शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी अब हमला कर रहा है। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के देखे गए, तो कहीं खून गाढ़ा मिला। कोरोना के इस नए सिस्टम ने डॉक्टरों को भी हैरानी में डाल दिया है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट ने कई मरीजों में किडनी के ये ब्लड क्लॉटिंग देखी है, जहाँ खून जमने से मरीजों की मौत हुई। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर JD मोक्को के मुताबिक किडनी पेशेंट के डायलिसिस कैथेटर खून जमने की वजह से ब्लॉक हो गए थे। वहीं वेंटिलेटर पर रहने वाले COVID-19 मरीजों को मॉनिटर कर रहे पल्मोनोलॉजिस्ट ने फेफड़ों में खून की भारी कमी देखी, जबकि न्यूरोसर्जन ने COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले ज्यादातर मरीजों के मामले में ब्रेन में ब्लड का थक्का देखा। अब तक COVID-19 को सांस से जुड़ी बीमारी माना जा रहा था, लेकिन अब ब्रेन स्ट्रोक के शिकार मरीजों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण दिखाई दे रहा है। हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुआ एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसी तरह 32 मरीजों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव थे। इन मामलों के सामने आने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस अब सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सिर से लेकर पैर तक ये शरीर के हर अंग पर रिएक्शन करने का मात्रा रखता है। अब तक सामने आए मामलों में इस बात की पुष्टि हुई है कि ये वायरस दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। कई मरीजों में सिरदर्द की वजह से दिमाग में सूजन देखी गई, जिससे मरीज ने बोलने की क्षमता तक खो दी। इतना ही नहीं, इस वायरस से पीड़ित मरीजों के सेंसेस यानी इंद्रियों पर भी असर पड़ रहा है। अटलांटा के इमोरी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग में क्रिटिकल केयर सर्जन डॉक्टर क्रेग कुबर स्मिथ के मुताबिक अस्पताल में थक्का रोधी मशीन पर रखने के बावजूद मरीजों में खून के थक्के बनना बंद नहीं हो रहे, और ऐसे मामले शहर के दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे करीब 40% कोरोना मरीजों में देखे गए। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के वायरस ने अपने आप को बदल लिया है, और अब ये म्यूटेंट वायरस अलग अलग रिएक्शन दिखा रहा है। कुछ मरीजों की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में सैकड़ों माइक्रोक्लॉट्स पाए गए। बड़े आकार के खून के थक्के बनने से इन्हें ब्रेन या हार्ट पर स्ट्रोक पड़ा था। कोरोना वायरस की इस बदलती हुई चाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग को समझना होगा। विज्ञान की जुबान में इसे हीमोस्टेसिस कहते हैं। दरअसल जब आपको कोई चोट लगती है और खून शरीर से बाहर निकल आता है, तब कुछ देर बाद खुद ब खुद उस जगह पर खून के थक्के जम जाते हैं। यह खून को रोकने का कुदरती तरीका है, जो खून को जल में बदल देता है। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको जो लाल रंग दिख रहा है वो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, और इनके बीच ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये दरअसल आपके प्लेटलेट्स हैं। तो होता यह है कि जब खून आपके जिस्म में बह रहा होता है और आपको कोई चोट लग जाए तो बाहर निकलने लगता है, और तब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस खास जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है।
और फिर चोट ठीक होने के बाद आगे चलकर खुद ब खुद खून का बहाव पहले जैसे हो जाता है। मगर ब्लड क्लॉटिंग दिक्कत तब पैदा करता है जब ये जिस्म के अंदरूनी हिस्से में हो जाए, तो होता यह है कि इसकी वजह से खून का बहाव रुकने लगता है, जो आपके शरीर के अंगों के लिए खतरा पैदा कर देता है। इस सिचुएशन में आपकी जान भी जा सकती है। अब कुछ इसी तरह की इंटरनल यानी शरीर के अंदर की ये क्लॉटिंग कई डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों में नोटिस करनी शुरू कर दी है, जिसे मिस्टीरियस ब्लड क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशन यानी रहस्यमयी ब्लड क्लॉटिंग नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस के मरीजों की मौत का कारण बन रही है। क्योंकि अभी तक कोरोना के मरीजों की मौत रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में दिक्कत की वजह से हो रही थी, लेकिन अब डॉक्टर नोटिस कर रहे हैं कि जिन मरीजों की जान कोरोना से जा रही है उनमें इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ी वजह है, जो किडनी, लंग्स, ब्रेन या फिर स्किन के अंदर देखने को मिल रही है। नीदरलैंड में हुई कोरोना मरीजों की एक स्टडी के मुताबिक करीब 180 आईसीयू पेशेंट में 31% ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत से गुजर रहे हैं। वहीं चीन में हुई एक स्टडी में करीब 183 कोरोना वायरस मरीजों के पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि उनमें 119 मरीज यानी 71% मरीजों की जान ब्लड क्लॉटिंग की वजह से गई। और अब इसी को देखते हुए कई जगहों पर डॉक्टरों ने ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत वाले कोरोना मरीजों को ब्लड थिनर यानी खून पतला करने वाली दवाओं की स्मॉल डोज देने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इस ब्लड क्लॉटिंग से हो क्या रहा है। हमारे ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे बॉडी का पूरा फंक्शन होता है। जैसे किडनी आपके जिस्म के खून को प्योरीफाई करती है, लेकिन अगर यहाँ क्लॉटिंग हो जाए तो किडनी फेल हो सकती है। इसी तरह दिल में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो दिल के धड़कनों की रफ्तार धीमी या ज्यादा हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही मामला ब्रेन का भी होता है, जहाँ क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इस लिहाज से बाहरी ब्लड क्लॉटिंग से भले जान का खतरा ना हो, मगर इंटरनल यानी अंदरूनी ब्लड क्लॉटिंग जानलेवा हो सकती है। हिमांशु मिश्रा और फारूक माभैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। मरीज के जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के को तो फिर भी डॉक्टर पढ़ सकते हैं, मगर उन मरीजों का क्या करें जो जानलेवा वायरस की जद में तो हैं मगर उन्हें खुद पता नहीं। और तो और डॉक्टर भी ऐसे मरीजों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। और अब तो दुनिया भर में 80% से ज्यादा ऐसे मरीज हो चुके हैं जो चलती फिरती मौत बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सिम्टोमेटिक या सिम्टम्स क्या है। आसान जुबान में सिम्टम्स को लक्षण कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो बुखार, खांसी, गला खराब या सांस लेने में तकलीफ जैसी चीजें कोरोना के सिम्टम हैं। और फिलहाल बड़े पैमाने पर इन्हीं लक्षणों वाले मरीजों की टेस्टिंग हो रही है। मगर कोरोना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोरोना के चार अलग अलग तरीकों के मरीजों में अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं वो मरीज जिन्हें खुद को नहीं पता कि वो कोरोना की जद में है, और ऐसे लोग कहलाते हैं साइलेंट स्प्रेडर। जानकारों का मानना है कि सरकारों को ऐसे पेशेंट ढूंढने ही होंगे जिनमें सिम्टम तो नहीं है मगर उनमें वायरल इन्फेक्शन लोड है। और इसका एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग मुमकिन हो वो की जाए। WHO ने भी कहा है कि कोरोना के मामलों में 80% वो लोग हैं जिनमें या तो लक्षण ही नहीं है या बहुत थोड़े से लक्षण हैं, और ना ही वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे मरीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी और बुखार है। प्री सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जो आज तो ठीक है मगर थोड़े दिनों बाद उनमें लक्षण दिखने लगेंगे। एटिपिकल सिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिन्हें बुखार नहीं है सिर्फ खांसी है और लक्षण आ रहे हैं और जा रहे हैं। और फिर आता है एसिम्टोमेटिक यानी वो मरीज जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते मगर फिर भी वो कोरोना संक्रमित होते हैं। अब अंदाजा लगाइए, भारत जैसे देश में जहां सिम्टोमेटिक मरीजों को ही डील करना मुश्किल हो रहा है, वहां इन अलग अलग तरीकों के कोरोना मरीजों की पहचान कैसे होगी। अब तक देश में हुई टेस्टिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और टेस्टिंग का जो तरीका हम अपना रहे उससे इन अलग अलग सिम्टम्स वाले मरीजों का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। आइए आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना की टेस्टिंग किस तरह से हो रही है।
हाल ही में विदेश से लौटे कोरोना के लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग हो रही, मरीजों की देखभाल कर रहे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टेस्टिंग हो रही, सांस और फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों की जांच की जा रही है, हॉटस्पॉट इलाकों में भी बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि जिस तरह से देश में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में साइलेंट स्प्रेडर जैसे प्री सिम्टोमेटिक, एटिपिकल सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक मरीजों को खोज निकालना भारत की आबादी के हिसाब से दूर की कौड़ी है। लिहाजा सरकार टेस्टिंग के मामले में उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और उनके इस इन्फेक्शन के शिकार होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 100 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से 80 लोगों में इसके लक्षण न पाए जाए, और यही साइलेंट स्प्रेडर बहुत तेजी से अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इसीलिए सरकारों को उनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, मगर ये होगी कैसे? जानकारों का कहना है कि सबसे पहले तो हॉटस्पॉट में डोर टू डोर टेस्टिंग हो और दवा या वैक्सीन बनने तक जितना ज्यादा मुमकिन हो लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जो हमारे देश में लॉकडाउन से ही मुमकिन हो सकता है। जापान, इटली, साउथ कोरिया में हुई कुछ रिसर्च के मुताबिक कोरोना की ये साइलेंट स्प्रेडर बेहद खतरनाक है और इन पर नजर रखनी जरूरी है। दुनिया के अलग अलग देशों का तजुर्बा बता रहा है कि इन साइलेंट स्प्रेडर्स ने बहुत साइलेंटली उनके देश में कोरोना फैलाया। चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना के कुल मामलों में 78% ही लोगों में सिम्टम देखे ही नहीं गए। हालांकि इटली में ऐसे मामलों की तादाद सिर्फ 7% है और दूसरे कोरोना प्रभावित देशों में एक स्टडी के मुताबिक 30-40% लोग कोरोना के साइलेंट स्प्रेडर साबित हुए हैं। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। अभी दुनिया कोरोना वायरस के सीधे सीधे लक्षणों से ही पार नहीं पा रही है, ऊपर से कोरोना के नए लक्षण सामने आ गए, वो भी एक दो नहीं बल्कि 6-6 नए लक्षण। बीमारियों पर रिसर्च करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्था अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए खुलासे के तहत सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ के अलावा कोरोना के मरीजों में 6 और नए लक्षण पाए गए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कोरोना मरीजों के 6 नए लक्षणों का खुलासा कर दुनिया भर को परेशानी में डाल दिया है। CDC ने हाल ही में कोरोना सिम्टम्स की अपनी लिस्ट में बदलाव किया है। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि अब WHO और CDC की सिम्टम्स की लिस्ट में फर्क आ गया है। अभी तक कहा जाता था कि COVID-19 के मोटा मोटी 3 लक्षण हैं, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, मगर अब CDC ने इन लक्षणों में कुछ और लक्षण जोड़ दिए। किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी देने के मामले में CDC का रुतबा दुनिया में WHO के बराबर या उससे भी ज्यादा है। कोरोना के मामलों में तो CDC के पास WHO से भी ज्यादा जानकारियां हैं, क्योंकि अमेरिका में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, लिहाजा मरीजों का सबसे ज्यादा डेटा भी अमेरिका के पास है। यानी अब सर्दी, खांसी और बुखार वाले कोरोना के लक्षणों में CDC के 6 और लक्षणों को जोड़ दिया जाए तो ये 9 हो जाते हैं। जानकारों का मानना है कि CDC के इन नए कोरोना लक्षणों को जारी करने का मतलब है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया के तमाम देश इसे भी कोरोना के लक्षण मान लेंगे। CDC के मुताबिक ये सभी लक्षण वायरस से संक्रमित होने के 2-14 दिन के अंदर देखे जा सकेंगे, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन है। और एक खास बात यह है कि CDC अभी भी बहती नाक और छींकने को कोरोना का लक्षण नहीं मानता है। CDC का कहना है कि ये लिस्ट अभी भी अधूरी हो सकती है, मगर अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों में सिर्फ यही 9 लक्षण देखे गए। लोकेंद्र सिंह और मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।